हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, कल स्टाफ की तरफ से पार्टी थी सेक्रेट में, आज हमारी तरफ से पार्टी। हम लोग जा रहे हैं अभी शिमला में, तो सब रेडी होके निकल गए। थोड़े से लेट हो गए बट शायद टाइम से पहुंच जाएंगे। वहीं मिलते हैं फिर। ये पहुंचे मॉल रोड में। इधर देखो भाई, अवनी दीदी हेलो बोलो। इधर हियर इज पावनु मॉमी। दीदी दिख रहे चल दिख रहे। हम लोग टाइम से पहुंच गए थे, इवन ये लोग भी हमारे से बाद में आए। तब तक हमने गेस्ट को अटेंड कर लिया था और भी लोग आए बट वो सब इसके बाद में आए। काके थोड़ा सा साइड। ये सब है भैया का ऑफिस स्टाफ। आओ आओ आइए सर आओ। पहुंचे हमारे स्पेशल गेस्ट अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर जो है श्री सुरेश भारद्वाज जी। आपको लास्ट वीडियो में मैंने बताया था हम लोग इनके ऑफिस में गए थे। नहीं बोला मेरी बात दीदी। तो आ गए। वेलकम जी। और ये है मैडम पावनी का परफेक्ट पोज अपनी दीदी के साथ।
मनोज यार आप गाड़ी में जाते हो और हम खाना खाते हैं, बोलते हैं नहीं वापस यहाँ से फोटो आती है। अच्छा दादी आपने लेट्स गो बुरे हाल हो रखे हैं। बाय बाय शिमला, बाय बाय यूएस क्लब, बोलो शिमला। हाँ बाय बाय यूएस क्लब शिमला तो डाली। आज चले हम लोग घर वापस। शिमला का वेदर इतना अच्छा है, हमारे वहाँ पे निरवा में इतनी ज़्यादा गर्मी है और यहाँ बहुत अच्छा मौसम है, ना बहुत ज़्यादा ठंड है और ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी है। मैंने कहा फ्लावर भी लेने, हमने फ्लावर्स ले लें। हम यहाँ पहुँचे ठियोग में, ठियोग में बिखल्टी के पास से यहाँ एक प्लांट्स की शॉप है। मैं सोचा कि यहाँ से कुछ प्लांट्स खरीद लेते। फ्लावर्स लेने कौन से वाले? नहीं कोई भी। कौन से वाले बोलो यार, ले कैसे जाए? मुझे फूल तो चल जाएगा, पर मैं काफ़ी टाइम से कुछ प्लांट्स लेना चाहती थी बट यहाँ पर मुझे बहुत अच्छे लगे तो हमने सोचा यहाँ पे देख लेते हैं। तो मैं भैया से डिस्कशन कर रही थी कि कौन सा बेटर रहेगा, क्योंकि वहाँ गर्मी धूप ज़्यादा होती है, हम कौन सा आउटडोर रख सकते हैं और कौन सा इंडोर। और मुझे अच्छे लगे काफ़ी सारे प्लांट्स यहाँ पर इनके पास। बाकी रिव्यू अब यूज़ करने के बाद ही लगेगा पता कि किस तरीके से चलते हैं ये, किस तरीके से इनकी केयर कर सकते हैं। और फाइनली इतनी सारी डिस्कशन के बाद मैंने 5-6 प्लांट्स परचेज़ कर लिए थे। एक ये बंगाली क्रोटन है, इस ये इनके पास बहुत सारे कलर्स में अवेलेबल था। और एजेलिया फ्लावर्स की मैंने 3 वैरायटी ले ली थी, वो भी इनके पास बहुत सारे कलर्स में अवेलेबल था। एक ये स्नेक प्लांट की वैरायटी है, मुझे इसका नेम याद नहीं है। साथ में मैंने कुछ ये सिंपल से गमले लिए इनके पास, ये मुझे ऑनलाइन से और ज़्यादा सस्ते पड़ गए थे। ये मुझे 80 रुपीज़ का पर पीस पड़ा, वैसे मैं जो देख रही थी वो 100 रुपीज़ का पर पीस है शायद। और साथ में भैया ने मेरा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर लिया था। मैंने बताया कि मैं ब्लॉग्स बनाती हूँ तो उन्होंने बोला है कि हाँ तब से और नेक्स्ट टाइम भी हमारे पास आना। बाकी प्लांट्स जो है इन्होंने लिया ने हमें एडजस्ट करके दे दिए थे, मेरी गाड़ी में ये ख़राब ना हो जाए। एक और भी रहा है ना? कौन सा नहीं कटेगा तो आप डाल दो, एक वो दे दो, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो का लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलेंगे और वीडियो के साथ। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग।